इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइंस का मतलब लाइनें ड्रॉ करने वाले हैं, और क्या लाइंस शो करती हैं इसको समझते हैं। सपोज करो यहां पर एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं यहां पर कोई पॉजिटिव इमेजिनरी चार्ज रखूं और विच इज फ्री टू मूव, तो क्या ये मूव करता हुआ कहां जाएगा? राइट की लेफ्ट? राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, या ऐसे बोलो माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये समझ में आता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में पड़ा हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह है जहां पर किसी चार्ज को उस फील्ड में रखा जाए, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और क्योंकि इसने फोर्स एक्सपीरियंस की, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक हो गया। और ऐसी अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रखूं यहां पर, तो उसकी डायरेक्शन मूव करने की ऑपोजिट हो जाएगी एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब इतनी लंबी कहानी ये बताती है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक। और ये भी बताती है कि अगर चार्ज पॉजिटिव मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब यहां नेगेटिव है, और इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव है। इस सारी बातों को एक आसान तरीके से रिप्रेजेंट किया गया डायग्राम से, वो ये कि आज के बाद अगर आपको कोई ये प्लेट्स दे और ये समझाए कि देख यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप कहोगे मुझे कैसे पता इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम से कम चार्ज तो ड्रॉ करके दो प्लस एंड माइनस, तो मैं समझूंगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लस माइनस ड्रॉ करने की बजाय एक और तरीका है, आप यहां पर लाइंस ड्रॉ कर दो, ऐसे इमेजिनरी लाइंस है प्लीज, ये कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ये नहीं है कि आपने अगर दो दीवारें ली, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, रूम के अंदर लाइनें आ जाएंगी, नहीं आएंगी, ये इमेजिनरी है, इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। मैंने अगर यहां पर ये ड्रॉ कर दी, इसका मतलब यहां पर फील्ड प्रेजेंट है। ठीक। तो कोई ये ना पूछे कि सर यहां पर चार्ज अगर रखें तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? आंसर है यस, पक्का लगेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। इन लाइंस को ड्रॉ करने के रूल्स हैं, ये नहीं है कि कोई भी मन में आएगा और कुछ भी ड्रॉ करना शुरू कर देगा, ये शो करने के लिए यहां फील्ड है। इनके जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कुछ रूल्स भी बताए इसके। तो उसका पहला रूल ये है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब, अगर ये राइट जा रही है, इसका मतलब ये प्लेट 100% पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव प्लेट पे एंड होती हैं, ये रूल है। तो आज के बाद आपको कोई ये ड्रॉ नहीं करके देगा प्लस एंड माइनस, आज के बाद बस आपको ये लाइंस ड्रॉ करके देगा। ये मन में अज्यूम करना है कि पक्की बात है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट? तो चार्ज की बजाय आज के बाद लाइंस ड्रॉ करके दे देगा। मन में अज्यूम करो कि कोई दिक्कत नहीं, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई यहां पर लाइंस ड्रॉ करके दे और मैं कहूं कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज विच इज फ्री टू मूव, तो बोलो ये कहां मूव करेगा, राइट कि लेफ्ट? राइट, क्योंकि लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं, मन में अज्यूम कर सकते हो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल्ड बाय पॉजिटिव एंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये मूव करेगा और राइट की तरफ मूव करेगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का दूसरा तरीका है, जैसे कि मैंने पहले समझाया था बिना लाइंस के। बिना लाइंस के मेरे को चार्ज ड्रॉ करना पड़ा, लाइंस के साथ मेरे को कुछ नहीं बताना पड़ा, सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। और वैसे अगर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है, उसकी मूव करने की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट ही निकल के आएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक। तो पहली चीज हमने क्या सीखी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायग्राम की हेल्प से हमें यह बताती है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक हो गया यहां तक। इसके और भी रूल्स हैं, पर पहला रूल समझ में आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला, कोई डाउट इसमें? दूसरा रूल, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर ये सीधी बनानी है, ये टेढ़ी बनानी है, ये कर्व बनानी है, ये कैसे भी हो सकती है।
डिपेंडिंग कि फील्ड अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं और ये सीधी भी हो सकती हैं। नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं ड्रॉ करने को आती, आपको कोई लाइन ही ड्रॉ करनी होती, आपको डायग्राम के अंदर ऑलरेडी लाइन बना के देगा वो, क्योंकि हम तो बना नहीं सकते, ऐसे नहीं बना सकते कि हवा में लाइन बना के दिखाओ, इनके रूल्स हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर लाइन्स ड्रॉ करके ही दी जाती हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए वो लाइन्स शो कर क्या रही हैं। तो इसके अंदर डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज अ पाथ, ऑब्वियसली रास्ता है, लाइन है, रास्ता है, पाथ है। पाथ सीधा भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, और कर्व्ड टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये रास्ता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एंड सच दैट टेंजेंट टू इट, अगर मैं इस रास्ते, मान लो ये लाइन जा रही है टेढ़ी कर्व, और मैं कोई पॉइंट लूं इस कर्व के ऊपर, लाइन के ऊपर, कुछ भी ले लो, पी और क्यू दो पॉइंट ले लिए, और मैं अगर इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये रूल है इनका कि अगर आपने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मतलब इस पॉइंट पे खड़े होके आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पे खड़े होके बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ये इनके रूल है। ये रूल क्या बताता है, इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टेंजेंट क्या शो कर रहा है, उसे हुआ क्या, मतलब टेंजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब क्या, मैं इसके बारे में अभी क्लियर करता हूं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेट वॉल्स ली प्लस एंड माइनस, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर दिया एज पर रूल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। समझ में आ गया यहां तक, मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी, मैंने एक लाइन पे एक पॉइंट ले लिया, मुझे कहा गया था ड्रॉ अ टेंजेंट, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन पता लग जाएगी इस पॉइंट पे। अब मेरे माइंड में दो क्वेश्चन आए, या एक मेजर क्वेश्चन आया कि मैं टेंजेंट राइट ड्रॉ करूं या मैं टेंजेंट लेफ्ट ड्रॉ करूं। तो रूल ये था, जिस तरफ लाइंस जा रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, टेंजेंट भी उसी तरफ ड्रॉ करना है। तो अगर लाइंस इस तरफ जा रही हैं, टेंजेंट भी राइट जाएगा, लेफ्ट नहीं जाएगा। तो मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो मुझे डायरेक्शन पता लग गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कहां पर है, इस तरफ है। आप कोई भी पॉइंट लो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगेगी टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, यहां तक मैं और एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब क्या है। तो इसके अंदर एज्यूम्ड है, जस्ट समझाने के लिए, कि ई की वैल्यू हर जगह पर सेम है, अगर यहां पर 10 है तो यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। मैं नॉन यूनिफॉर्म अभी बात डिस्कस नहीं करना चाहता, जस्ट इमेजिन करना है। तो मुझे पता है इस पॉइंट पर चार्ज क्या है क्यू, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है ई, और डेफिनेशन क्या कहती है ई की, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, तो एफ क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई। तो यानी कि अगर कोई चार्ज यहां पर रखा जाए, किसके अंदर रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो तो करेगा ही फोर्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां करेगा, राइट की तरफ करेगा। क्यों राइट की तरफ करेगा, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम एज ई की डायरेक्शन है। तो अगर ई टेंजेंट टुवर्ड्स राइट है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है। तो तभी तो पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ मूव करता है, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी है। ये एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई का जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक बेटर एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ, वो एग्जाम्पल से नहीं, एक बेटर एग्जाम्पल से समझाता हूँ और क्लियर होगा, ध्यान से देखना। सपोज करो मेरे को एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे को ना कूलम फोर्स निकालनी है। मैंने बोला ठीक है, तो मेरे को कुछ वैल्यूज दे, तो मैं तेरे को कूलम फोर्स निकाल के दिखाऊंगा। उसने कहा ठीक, एक चार्ज मेरे पास क्यू वन है, एक चार्ज मेरे पास क्यू नॉट है, या क्यू है और क्यू नॉट है। मैंने कहा ठीक। मैंने पूछा कि आर पता है तेरे को, कहता हाँ आर मुझे पता है। तो मैंने पूछा बोल तेरे को किसके ऊपर फोर्स चाहिए, बोला कि इसके ऊपर फोर्स चाहिए। मैंने कहा ठीक, फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर क्लोज। सबको मालूम है कि हमने क्या लगाया, कूलम्स लॉ। यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका था, आंसर आ गया, यहां तो क्लियर है। अब वो स्टूडेंट कहता है कि सर देखो ये तो मुझे भी आता था, मेरी प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो चार्ज है, सेकेंड केस बता रहा है, यहां पर जो भी चार्ज था मैं उसकी वैल्यू अब भूल गया हूं। ठीक, जब याद थी तो आंसर आ गया फोर्स का,
यहाँ पर कोई चार्ज तो था पर मुझे पता नहीं उसकी क्या वैल्यू है। मैंने कहा ठीक। वो कहते हैं यहाँ पर कोई डिस्टेंस भी था, मुझे ये भी पता नहीं कि क्या वैल्यू है उस डिस्टेंस की। मैंने कहा ठीक। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज मुझे याद है क्यू नॉट वैल्यू की, मुझे उसकी ये तो मुझे याद है क्यू नॉट है, तो क्या आप मुझे इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी क्या आप निकाल के बता सकते हो? तो आपका आंसर क्या होगा अभी के लिए? नो, मेरे को चार्ज नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता, मैं कूलम लॉ कैसे लगाऊं, नहीं आ सकता। पर उसने कहा कि सर मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, ये जो चार्ज है ना ये इसके ऊपर फील्ड लगा रहा था और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज था तो इसका तो कोई फील्ड था नहीं, पर हाँ ये गारंटी है कि यहाँ चार्ज था जरूर। वो चार्ज यहाँ पर कुछ ई की वैल्यू लगा रहा था, वो वैल्यू मुझे याद है। मैंने कहा ठीक, अब तेरी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो उसने ई लगाया, ई की डेफिनेशन क्या है कि जो भी ई ये चार्ज लगाएगा उसको टेस्ट चार्ज से क्या कर देना है, डिवाइड। तो फोर्स की वैल्यू क्या जाएगी, क्यू नॉट टाइम्स ई। तो अगर आप मुझे ई दे दो उस चार्ज की वजह से और क्यू नॉट दे दो तो भी आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। वो सेम क्यों आएगा? क्योंकि सबको मालूम है कि मन में कि चार्ज तो वैल्यू तो पता ही थी क्यू और आर है जो छुपा रहा है हमसे। और ये बताओ क्यू चार्ज यहां पर ई लगाएगा क्या, 1/4π ε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए आप चेक कर लो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब आज के बाद किसी भी चार्ज पे फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका Q1 Q2 लो, R लो, कूलम लॉ लगाओ, डन। सबसे आसान तरीका। आज के बाद ये तरीका नहीं चलेगा। आने वाले चैप्टर में कूलम लॉ Q1 Q2 वाला बहुत कम चलता है। आने वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की फॉर्म में फोर्स कैलकुलेट करनी होती है। तो आपको क्या देगा वो? आपको इस चार्ज की वैल्यू नहीं देगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ई में तो दे ही देगा, तो ई देगा। यहां पर चार्ज क्यू नॉट दे देगा। आपको सिंपली क्या करना है, क्यू नॉट और ई को मल्टीप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है यहां तक। तो ये कहां काम आएगा? यहां काम आएगा दीवारों का, प्लेट्स का चार्ज नहीं देगा, नहीं देगा, सिर्फ एक ही चार्ज देगा क्यू, लेकिन इन दीवारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा यहां पर ई है। अब कूलम लॉ तो लग नहीं सकता क्योंकि वॉल्स का चार्ज तो मेरे पास है नहीं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड उन वॉल्स का कंट्रीब्यूशन जो भी ई का होगा वो मेरे पास है। तो बहुत आसान तरीका है, यहां पे जो भी ई है और वहां जो भी चार्ज रखा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो और क्या जाएगी, फोर्स। तो इंपॉर्टेंस पता लगी इस फॉर्मूले की, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी बड़ी काम की चीज है। क्योंकि आज के बाद अगर ई गिवन होगा हम तब भी फोर्स निकाल सकते हैं, और अगर Q1 Q2 गिवन होगा तब तो हम फोर्स निकाल ही रहे थे। कोई डाउट इसमें? तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई और E जिस तरफ होगा फोर्स भी उस तरफ होगी, ये तो स्टैंडर्ड रूल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है फोर्स भी टुवर्ड्स राइट है, ये स्टैंडर्ड रूल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसकी कैलकुलेशन करेंगे अभी तो चलेगा, ये तो पूरा न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ रूल्स मैंने बताए थे आपको, और ये रूल्स एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इन रूल्स में से, दो नंबर का या जो भी आता है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी, नीट के अंदर बहुत क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं लाइन्स के ऊपर, और मेन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक, बहुत बेसिक बेसिक। तो सबसे पहला रूल समझते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में। पहला रूल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इनटू नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी नेगेटिव पे खत्म होंगी, ये बात क्लियर है? तो किसी ने कहा सर ठीक मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, अब आप मेरे को प्रॉब्लम दे के देखो मैं आपको आंसर दूंगा। मैंने कहा ठीक है ये ले प्रॉब्लम ले, ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव, ठीक तो तू मेरे को लाइंस ड्रॉ करके दिखा। उसने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये लो ये लाइंस हैं ये मैं ड्रॉ कर देता हूं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा है नेगेटिव पे खत्म कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा एक काम कर मैं तेरे को एक और क्वेश्चन देता हूं, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है,
ठीक, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले और किसी दूसरे स्फेयर में डाल दिए, वो स्फेयर मुझसे गुम गया, पता नहीं कहाँ गया। मेरे पास अब एक ही स्फेयर बच गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, बस नेगेटिव नहीं है तो कहाँ गया मेरे को नहीं पता, पर कहीं तो होगा दुनिया में, ये तो बात पक्की है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, इसकी क्या इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या बोलते हो, होगा कि नहीं होगा? होगा, सोच रहे हो, होगा, क्योंकि अगर आप कोई और चार्ज रखोगे इसके आसपास तो अट्रैक्शन होगी, तो होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो आप ड्रॉ करोगे ही करोगे। तो मैंने कहा ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर। वो कहता है सर कैसे करूं, मैं स्टार्ट तो कर लेता हूं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है स्टार्ट करने में, ये लो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, मेरे को रूल पता है, मेरे को सिखाया गया था कि नेगेटिव पे खत्म होती है, पर नेगेटिव चार्ज मुझे आप दे तो रही नहीं हो, पता नहीं कहाँ आपसे घूम गया, मैं कहाँ लेके जाऊं लाइन को, हवा में छोड़ दूं? अगर मैं हवा में छोड़ता हूं तो फिर वो रूल वॉयलेट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड दैट नेगेटिव। तो आपने ऐसे बोलना है, इसको जहां घूम गया ना वहीं ढूंढ लेना, जाके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, माइनस पे जा रहा है वो, आप जहां, क्योंकि अब माइनस चार्ज दे तो रहे नहीं हो और मैं लाइन को बीच में छोड़ नहीं सकता, मेरा रूल वॉयलेट होता है, तो इसलिए ऐसे केस में ये लाइंस कहाँ तक, मतलब डॉट 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 डॉट, आप देखोगे बुक्स में बनी होती हैं ऐसे लाइंस, मतलब वो इन्फिनिटी तक जाती जा रही हैं। इन्फिनिटी का मतलब जहाँ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता होगा उस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, इस टाइम नहीं है तो ऐसे ही डॉट 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 करके छोड़ देंगे, पर ये नहीं बोलना कि वो रुक गई लाइंस, वो चल रही है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दूर जाते जाते फील्ड वीक हो जाता है, वीक 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 और जीरो हो जाता है, तो लाइंस भी इन्फिनिटी पता नहीं कहां पर जाके जो है वो माइनस चार्ज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से अगर कोई कहे कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज है बस, तो कोई बात नहीं, आप ये बोलें कि लाइंस इनमें एंटर कर रही हैं, लेकिन आ कहां से रही हैं, फ्रॉम कहीं पॉजिटिव से आ रही होंगी और नेगेटिव पे एंटर कर रही हैं, ठीक। तो ये पहला रूल है, तो पहला रूल क्लियर हो गया। इसी रूल को समझाने के लिए ये डायग्राम डायग्राम है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पे जा रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, दिख तो रहा नहीं ऐसी छोड़ दिया, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो नेगेटिव ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो अलग अलग डायग्राम इंटरनेट से मैंने लिए हुए हैं आपको उसे समझाने के लिए। अब सपोज ये डायग्राम है, इस डायग्राम में मान लो ये और ये चार्ज बराबर है, ठीक, कहने का मतलब कि एक ये चार्ज है, मान लो ये +10 कूलम है और मान लो ये भी +10 कूलम है, मुझे कोई बताएगा कि मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का मतलब आर डिस्टेंस दूर, ई की वैल्यू क्या होगी? कितने लोग बोलते हैं जीरो, जीरो, जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या एज्यूम करना है, प्लस, रख के देख लो, ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और उतनी ही वैल्यू से ये प्लस प्लस को क्या करेगा, तो ई तो बराबर करेगा, मिड पॉइंट है, तो नेट आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो दोनों का ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैंसिल हो जाएगा, नेट आंसर जीरो। अब ये वैसे ही सिचुएशन हो गई, अगर इस दीवार पे पॉजिटिव चार्ज है, इस दीवार पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रूम के अंदर बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, बिकॉज प्लस एंड प्लस दो दो दीवारें खड़ी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने के लिए। बट एक पॉइंट क्लास के मिड पॉइंट में ऐसा होगा जहां मुझे ई निकालना है +1, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल, वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल, ई एंड ई विल कैंसिल, तो मान लो ये वो पॉइंट है जहां नेट ई क्या हो गया, जीरो, जबकि रूम के हर पॉइंट पर ई प्रेजेंट है, बस इस पॉइंट पर जीरो है। इस पॉइंट का नाम है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा ई आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल, और नेट अफेक्ट क्या आ जाता है, जीरो। आप कहोगे वो तो इस कमरे के अंदर भी है, मैंने बोला कैसे, कह रहे मान लो इस पे चार्ज ही हटा दो, पूरे रूम में ई जीरो, सब न्यूट्रल ही न्यूट्रल है, नहीं फिर न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नहीं स्टार्ट किया आपने, मतलब उसका फायदा नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां ई एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन आपस में क्या कर जाते हैं, कैंसल, वो न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसका आंसर देना, ये दीवार के ऊपर ज्यादा चार्ज है पॉजिटिव, इस दीवार के ऊपर कम चार्ज है पॉजिटिव, अगर ये इक्वल चार्ज होते तो मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता जहां नेट ई क्या हो जाता है, जीरो,
इस दीवार पे पॉजिटिव चार्ज है, इस दीवार पे पॉजिटिव चार्ज है कम है, मान लो एक 10 कूलम है एक 2 कूलम है बस, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलेगा, टुवर्ड्स बड़े वाला चार्ज कि छोटे वाला चार्ज? छोटे वाला। आदित्य क्लियर है? आदित्य उसको क्लियर है? क्वेश्चन नहीं पता लगा? क्वेश्चन नहीं सुना यार, एफर्ट खराब हो गया बोलने का। देखो मैंने कहा कि ये प्लस 10 कूलम चार्ज है, ये प्लस 2 कूलम चार्ज है, मुझे न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट में तो मिलेगा नहीं, बिकॉज मिड पॉइंट का मतलब जब दोनों चार्ज बराबर होते तो आपस में कैंसिल हो जाती, ई वैल्यू जीरो हो जाती। तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो इन्होंने बोला टुवर्ड्स वीकर चार्ज। कितने लोग एग्री करते हैं टुवर्ड वीकर चार्ज? अच्छा सबको समझ में आ गया कैसे? जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया, ये मान लो 10 कूलम चार्ज है और मान लो मेरे ऊपर मैं प्लस 1 हूँ, ये प्लस 2 कूलम चार्ज है मेरे ऊपर, ये प्लस 10 कूलम, 10 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रही है और मेरे को रिपेल कर रही है प्लस 1 को, तो मुझे एक वेक्टर यहाँ लगा 10 का और वो प्लस 2 कूलम मेरे को यहाँ ई लगा रहा है, लेकिन कमजोर ई लगा रहा है, वीक ई लगा रहा है मान लो 2 का, तो इधर वेक्टर 10 का इधर 2 का, तो ऑब्वियसली मेरे पर नेट ई जीरो नहीं हो सकता, इधर 10 है और इधर 2 है। किसी ने कहा कि आपको नेट वैल्यू जीरो करनी है, मैंने कहा हाँ करनी है, तो कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग चार्ज है ना आपके ऊपर बहुत असर कर रहा है, आप उससे दूर चले जाओ, उसका असर कम हो जाएगा। हाँ मैंने कहा बात सही है, ये मेरे पे कितनी वैल्यू लगा रहा है 10, मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये वैल्यू हो गई 8, लेकिन वीकर चार्ज जो पहले मेरे ऊपर 2 वैल्यू लगा रहा है अब वो ज्यादा लगाएगा क्योंकि मैं वीकर चार्ज के पास जा रहा हूं, तो जो 2 लगा रहा था अब सपोज लगा रहा है 4, अब उधर से वैल्यू कम हो गई 8, इधर से हो गई 4, मैं थोड़ा और शिफ्ट हुआ तो अब पता लगा कि इधर की वैल्यू उस स्ट्रॉन्ग जो उधर से और दूर हुआ 8 की बजाय हो गई 6, इधर से और स्ट्रॉन्ग हो गया 6, एक ऐसा पॉइंट मिल गया जब 6-6 को क्या कर गया, कैंसल, यानी कि ये पॉइंट मुझे वहां मिलेगा जहां पर थोड़ा वीकर चार्ज है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि एक प्लस है एक प्लस है, मुझे न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, जहां वीकर चार्ज है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, ये भी, ये प्लस 10 कूलम है, ये दीवार प्लस 10 कूलम है, ये दीवार माइनस 10 कूलम है, बोलो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, प्लस 10 की माइनस 10 की मिड पॉइंट, यहां तो नहीं मिलेगा आप कमरे में, क्यों? क्योंकि वो प्लस मेरे प्लस 1 को रिपेल करेगा, वो माइनस मेरे प्लस 1 को, तो दोनों वेक्टर इस तरफ होंगे तो कैंसिल कैसे होंगे, न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा प्लस माइनस में, पॉइंट समझ में आया यहां तक, उनके बीच में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आज ऑब्जेक्टिव्स, तो 3 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक अभी और भी करूंगा, अभी शीट दूंगा, राइट, ध्यान रखना इस बात को, जल्दी होगी शीट आपसे। सेकंड, टेंजेंट टू फील्ड लाइन, बताया मैंने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है ऐसी, तो एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने ए और बी पे, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट दैट पॉइंट, तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगेगी, इससे इसकी एक्सप्लेनेशन ये रहेगी, मान लो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई, मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ठीक, तो अगर मैं यहां चार्ज क्यू नॉट रखूं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, यहां पे, यहां पर फोर्स लगेगी क्यू नॉट इनटू कितना, ईए, F is equal to QE का फॉर्मूला बताया मैंने, और यहां पर फोर्स क्या लगेगी बी पॉइंट पे, क्यू नॉट इनटू कितना, ई बी वेक्टर, राइट, ये फोर्सेस लगेंगी ए और बी पॉइंट पे, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कहां करेगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि जहां ई है वहां फोर्स है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेगा, और ऐसे जो चार्ज पार्टिकल यहां पड़ा होगा वो फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेगा, विच विल एक्ट लाइक अ टेंजेंट, तो जहां ई है वहीं एफ है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन बताओ फोर्स की क्या होगी, जो टेंजेंट है वही ई की डायरेक्शन है, वही फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट पॉइंट है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने दो प्लेट्स ली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और मैंने एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर, उसने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता,
ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक कॉमन पॉइंट आ गया दोनों का, इंटरसेक्शन का। तो एक स्टूडेंट को कहा कि बता यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो बोलता है ड्रॉ अ टेंजेंट। मैंने कहा ठीक बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा स्टूडेंट आया वो बोलता है कि सर ये पॉइंट तो इस लाइन पे भी एक्ट लाई करता है, तो ड्रॉ अ टेंजेंट। उसने यहाँ ड्रॉ कर दिया, वो भी सही है क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के ऊपर यहाँ बनेगा, इस लाइन पे यहाँ बनेगा। तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ये तो वही बात हो गई। एक कार जा रही थी इस तरफ नॉर्थ, इस नॉर्थ की तरफ, इससे पूछा कहाँ जा रही है, कहता नॉर्थ की तरफ। इससे पूछा नहीं नहीं मेरे को लग रहा है साउथ की तरफ। अब एक कार, कार तो एक ही है जो जा रही है, डायरेक्शन तो उसकी एक ही होगी, अगर यहाँ गई है तो यहीं जाएगी, साइमल्टेनियसली कहीं और नहीं जा सकती। तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस, एक एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो फिर इधर ही है इस पॉइंट पर, और अगर इधर आ रहा है तो इधर ही है। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक मिनट, पहले इस लॉजिक को कॉन्ट्राडिक्शन, पहले इस लॉजिक को गलत प्रूफ करो। मैंने ये नहीं कहा कि यहां पर ई की वैल्यू, मान लो इस प्लेट ने यहां ई इतनी लगाई, ठीक है 10 लगाई, और फिर मैं कह रहा हूं कि और किस तरफ लगाई, इस तरफ लगाई, फिर मैं कह रहा हूं नहीं 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 सॉरी 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 इस तरफ लगाई, इस तरफ लगाई, इस तरफ लगाई। आप कहोगे सर पहले आप डिसाइड कर लो किस तरफ लगाई, लगाई तो ए की वैल्यू लगाई, ये नहीं है कि इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी, ऐसे नहीं होगा, ये बता रहा हूं। ये वो नहीं है सुपर पोजिशन की 10 चार्ज है और ई लगाओ और नेट वेक्टर निकाल दो, ये नहीं कहा मैंने। यही प्लेट यहां पर ई लगाएगी, या तो इधर लगाएगी या इधर, एक तरफ लगाओ बस, दैट्स इट। नेट ऑब्वियसली दीवार के से नेट वेक्टर कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ही डायरेक्शन एक पॉइंट पे निकल के आती है, तो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जितने डायग्राम ऊपर आपने देखे आप चेक कर लो, जितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम होगा वो इंटरसेक्शन में कभी नहीं दिखेगा आपको, आप देख लो कभी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, गैप है उनके बीच में, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं लिख दिया फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दिस इज बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट पी देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर व्हिच इज नॉट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट रूल है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब जहां से ओरिजिनेट होती हैं 90 डिग्री पे ही ओरिजिनेट होंगी, और जब ये खत्म होंगी तो भी 90 डिग्री पे ही ये एंड होंगी। ऐसा नहीं हो सकता 60 डिग्री टेढ़ी मेढ़ी लाइनें एंटर कर रही हैं या टेढ़ी मेढ़ी लाइन इसमें निकल रही है। जब ये स्टार्ट होंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस स्टार्ट होती हैं, जब ये एंड होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही एंड होंगी, यही इनका रूल है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, वो लगे या ना लगे वो ग्राफिक डिजाइनर गलत बना दे, मैं कह नहीं सकता डिजाइन बनाने वाला, पर रूल यही है। अब पता नहीं ना जो उसको फिजिक्स सुनाती थी वो डायग्राम बनाया, कई लोग बोल रहे हैं सर लग नहीं रहा, मेरे को लग नहीं रहा, उसको भी नहीं लगा होगा जिसको कौन सा रूल पता होगा जिसने डायग्राम बनाया है, बट रूल यही है 90 डिग्री का रूल याद रखना। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में एक नंबर का, ये एक एक दो दो नंबर में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये लो सर्कल में, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लाइन को सर्कल में, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से स्टार्ट होती हैं और खत्म कहां पे होंगी, टेढ़ी हो सकती हैं, सर्कल नहीं बना सकती। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। किसी ने कहा हाँ करते हैं, मुझे लगता है करते हैं, कहता है कि एक प्लस 10 कूलम लो और दूसरा -20 कूलम लो, अब बनाओ प्लस माइनस। मैंने कहा जब ये एक ही पॉइंट में पड़े होंगे ना, पहले नेट चार्ज डिसाइड कर लो क्या होएगा, -10। तो फिर लाइंस को ना बस एंटर करते हुए दिखाना, लूप तो तब भी नहीं बनने वाला, ठीक। तो प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करने वाला, इसलिए कभी भी क्लोज लूप बनाएंगे नहीं। ये एक नंबर में लिख के आना एक्सप्लेनेशन, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कॉन्टिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक प्लेट बनाई प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये लाइन चली, मैंने कहा चल छोड़ बस ठीक है ब्रेक हो गई बस यहीं तक है, चलो फिर दोबारा कर देते हैं, ये लो ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। एक बार स्टार्ट हुई पॉजिटिव से
तो ये चार्ज बीच में चार्ज नहीं है, लेकिन अगर चार्ज हो जाता फिर हो सकता है किसी और चार्ज में एंटर कर जाती, पर चार्ज फ्री स्पेस में ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव में खत्म होंगी। बीच में ब्रेक्स अलाउड नहीं है, कोई ब्रेक नहीं लगेगी, तो ये ब्रेक्स नहीं लगाती, कॉन्टिन्यूस कर्व्स हैं, लगातार चलती हुई कर्व्स हैं, ठीक। और लास्ट है, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर किसी डायग्राम में आपको ज्यादा लाइनें दिख रही हैं निकलती हुई और इसमें लाइंस कम एंटर कर रही हैं, निकल ज्यादा रही हैं, एंटर कम कर रही हैं, जितनी लाइनें निकलेंगी या जितनी लाइनें एंटर करेंगी, समझो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, और अगर दो चार लाइनें हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है। इसके अंदर ए में से ज्यादा लाइन निकल रही हैं पर बी में कम एंटर कर रही हैं, तो ए का पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, ए का नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, कम से कम उससे तो छोटा ही है। और अगर नंबर ऑफ लाइंस जितनी निकल रही हैं उतनी एंटर कर रही हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है। मैग्नीट्यूड, मैंने प्लस माइनस की बात नहीं की, प्लस माइनस तो ये शो कर रहा है कि लाइन निकल रही है तो प्लस है, जिसमें एंटर कर रही है तो नेगेटिव है। यहां तक क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है, देख के बता दोगे किसका चार्ज बड़ा है और किसका छोटा है। और लास्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको लाइंस कोई डायग्राम शो करे और उसमें ये शो करे कि ये स्पेसिंग एकदम सेम है सब में, सेम है, और ये देखो सेम है, तो एक्स और वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एकदम सेम है, कांस्टेंट है। पर अगर ये स्पेसिंग यहां पर कम है, यहां पर वाई में स्पेसिंग बढ़ गई, दो लाइनों में स्पेसिंग बढ़ गई, यहां पर कम है, जितनी कम स्पेसिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। कहने का मतलब, अगर मान लो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करूं और दूसरे डायग्राम में ये शो करूं, तो मतलब यहां स्पेसिंग कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जितनी टाइट लाइंस होंगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी उस वॉल्यूम में, तो फील्ड स्ट्रांग, ये स्ट्रांग फील्ड की निशानी है, और ये वीक, ये वीक है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें है, यहां पर स्पेसिंग खुलती जा रही है तो आप स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव कर रहे हो, इसका मतलब ये है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इन प्रॉपर्टीज में?